हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अमेज़न हॉल, जहाँ पे मैं शेयर करूँगी इनसाइट कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की रिव्यू, मेकअप प्रोडक्ट्स की रिव्यू। और ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट्स वाई इस वीडियो को पूरा देखें। एंड मैं अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन है इनसाइट कॉस्मेटिक्स के बारे में, बहुत सुना है मैंने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हुए देखा है, दैट्स वाई आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स। और मुझे काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी बताना है, कुछ नेगेटिव भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, ताकि आप सबको हेल्प हो कि आप उनके कौन से प्रोडक्ट को परचेज करें एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं और उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो पहले मैंने अपने स्किन को ना प्रेप कर लिया था अच्छी तरीके से, एंड देन आई हैव यूज्ड दिस मेकअप फिक्सर। ये इनसाइट मेकअप फिक्सर स्प्रे है, और ये जो मेकअप फिक्सर है इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, बट कुछ ऐसे रिव्यूज थे जिनमें इसके फ्रेग्रेंस के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स कहा गया था। सो मुझे इसका फ्रेग्रेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना फ्लावर जैसा फ्रेग्रेंस है, मोगरा जैसे होता है ना वैसा फ्रेग्रेंस है इसका, विच आई लव। और मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके फ्रेग्रेंस से, इनफैक्ट आई लव फ्रेग्रेंस। अगर कोई मिस्ट या मेकअप सेटिंग स्प्रे में फ्रेग्रेंस होता है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बिकॉज इट गिव्स अ फील ऑफ फ्रेशनेस। तो मैंने पहले इसे एज अ प्राइमर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनसाइट कॉस्मेटिक्स का जो प्राइमर है ना वो सिलिकॉन बेस्ड है और वो बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं तो इस प्राइमर को भी ट्राई कर सकते हैं, दिस इज रियली गुड। लेकिन पर्सनली मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, मैंने इसे इन द पास्ट आई हैव यूज्ड दिस प्राइमर और मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो गई, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दिस वन और मैंने इससे ही काम चला लिया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू शुड ट्राई दिस प्राइमर, ये भी बहुत अच्छा एक प्राइमर है। और उसके बाद मैंने एक कंसीलर को अप्लाई किया है। अब इनसाइट कॉस्मेटिक्स के ना कई सारे कंसीलर है, जैसे अमेज़न पे उनका एक न्यूली लॉन्च्ड कंसीलर भी अवेलेबल है ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन वो जो कंसीलर है उसे मैंने इस बार ट्राई नहीं किया है, बिकॉज आई थॉट ये जो कंसीलर है ना ये थोड़ा सा अलग पैकेजिंग में आता है। जनरली मैं इस तरीके के कंसीलर्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सो आई थॉट लेट मी गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन और मैं कुछ अलग सा ट्राई करूं, तो इसीलिए मैंने ये वाला कंसीलर ट्राई किया है। अब ये जो कंसीलर है इसका कवरेज माइंड ब्लोइंग है, बट द प्रॉब्लम इज मेरी शेड गलत हो चुकी है। हमेशा से ही जब भी मैं कोई नया कंसीलर ट्राई करती हूँ ना, शेड गलत होता ही है। अब इसमें मेरा शेड थोड़ा डार्क आ गया है, विच इज़ अ बिट येल्लोइश, तो इसे मैं एज अ करेक्टर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अगर आपके मेजर डार्क सर्कल्स है तो आप ये वाला शेड ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो मेरा शेड है वो है NC2 बीज। अब ये शेड एकदम ऑरेंजी सा है, येलो टोन में है, तो अगर आपका वार्म टोन है तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा कवरेज है, लेकिन हाँ शेड मुझे एक शेड लाइटर लेना चाहिए था, तो इसी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं इससे काम चला लूँगी। जैसे मैंने इसे अप्लाई किया ना, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से डार्कर है, लेकिन मैंने अपना जो गो टू कंसीलर है, जो मैं आजकल पसंद कर रही हूँ इस्तेमाल करना, वो है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मेरा शेड है 02, ये मेरे लिए एक हाईलाइटिंग कंसीलर है, तो मैंने इस कंसीलर को उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, जिससे कि इसका जो डार्कनेस है वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए एंड ब्यूटिफुली इसने कवर अप कर लिया है मेरे डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन। उतना ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, सो फार सो गुड, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट नहीं आया है। बट फिर मैंने इस्तेमाल किया है उनका जो लूज पाउडर है, जो कि हाईली टॉक्ड एक प्रोडक्ट है, तो उस लूज पाउडर को, विच इज़ अ बनाना पाउडर, इसका जो शेड है दैट सो अमेजिंग, ये कंसीलर को क्रीज होने से रोकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट माई स्किन इज ड्राई, तो मेरे स्किन पर थोड़ा सा ये ड्राइंग है। मैं जनरली कॉम्पैक्ट पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, लूज पाउडर्स उतना ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बट इसका जो पैकेजिंग है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, अगर इसके साथ कोई स्पंज एप्लीकेटर या फिर कुछ ब्रश वगैरह देते तो और कन्वीनियंट हो जाता, क्योंकि फिर मैं इसे कॉटन, मेरे पास एक कॉटन बॉल था उससे मैं अप्लाई कर रही थी, उससे ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। बट द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड, पैकेजिंग थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं।
जब तक मेरा जो लूज पाउडर है वो बेक हो रहा है तब तक मैंने अपने आई मेकअप को कंप्लीट किया। आई मेकअप के लिए मैंने मिनिमल कुछ चीज़ें लिया है, विच इज़ अ हाइलाइटर जो मैं फेस पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब ये जो हाइलाइटर है दिस इज ऑल्सो मोस्ट टॉक्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। अब मेरा जो शेड है वो है 06 कॉस्मिक पावर। तो ये जो शेड है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बहुत ही सटल एक हाइलाइटर है। इसे मैंने अपने लिड्स पर अप्लाई किया है एंड इट इज़ सो क्रीमी, अच्छी तरीके से ये अप्लाई हो पा रहा है। लेकिन मैंने इसके ऊपर ना लूज पाउडर अप्लाई किया था तो थोड़ा सा वो जो पाउडर है और उसके बाद फिर मैंने क्रीम अप्लाई किया इसीलिए थोड़ा मेसअप हो गया। अदरवाइज अगर आप पाउडर अप्लाई करने से पहले से अप्लाई करेंगे तो और अच्छी तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो नजर आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, आप इसे हाईलाइटर की तरह, आई शेडो की तरह इजिली यूज कर सकते हैं। आई लैशेज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये मार्स का मस्कारा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज देखे हैं जहां पर उन्होंने इनसाइड के जो मस्कारा है उसे इस्तेमाल किया है, बट दैट इज नॉट गुड और सभी ने ही उसे नेगेटिव पॉइंट्स दिया है। सो आई थॉट मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मेरे पास जो मार्स का मस्कारा है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, 150 रुपीस में आपको मिल जाएगा, उसका जो इफेक्ट है दैट इज़ अमेजिंग। तो इसी वजह से मैंने मार्स का ये जो मस्कारा है इसे अप्लाई किया है। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं देन डेफिनेटली आप मार्स का ये मस्कारा ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लिपस्टिक के लिए दो ऑप्शन है फ्रॉम देयर नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक रेंज, और ये जो नॉन ट्रांसफर लिक्विड लिपस्टिक्स है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास काफ़ी सारे शेड है इस पर्टिकुलर रेंज की। जो शेड नंबर 01 जॉयफुल है ये एकदम ब्राउन शेड है, ब्राउन डार्क ब्राउन न्यूड है, विच इज़ परफेक्ट। ये डस्की फेयर हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट रहेगा। तो इसको मैंने एज अ ब्लश अप्लाई किया है एंड लुक एट द ब्लश, कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्लश और इतना क्रीमी है, इजीली ये ब्लेंड भी हो गया। सो ये आप एज अ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली लिक्विड लिपस्टिक्स थोड़ा टफ होता है एज अ ब्लश अगर आप अप्लाई करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इजी टू अप्लाई एंड ईजी टू ब्लेंड। नेक्स्ट मैंने लिप्स पर अप्लाई किया है ये नॉन ट्रांसफर लिप कलर इन द शेड 19 डिवाइन। ये बहुत ही सुंदर डार्क वाइन शेड है जो फेयर टू डस्की डार्क स्किन टोन पर भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आप फेयर स्किन टोन है तो आपके ऊपर थोड़ा रिच लुक देगा, और अगर आप डस्की स्किन टोन के हैं तो आप इसे एज अ डेली वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आप लोग देख सकते हैं इस शेड ने ही इस मेकअप लुक को बहुत ही ज़्यादा रिच एंड रॉयल बना दिया है। अब नेक्स्ट मैंने पूरे मेकअप को सील करने के लिए इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई किया है एंड द स्प्रे इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मेकअप सेटिंग स्प्रे काफ़ी अच्छा है, आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस मेरा जो कंक्लूशन है वो है कि अगर आप चाहते हैं तो मेकअप सेटिंग स्प्रे को परचेज कर सकते हैं, बट अगर आपको फ्रेग्रेंस से या रोज़ या फ्लावरी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है देन ओनली यू कैन गो फॉर द मेकअप सेटिंग स्प्रे। सेकेंड इज इसका कंसीलर, मुझे इसका कंसीलर का कवरेज काफ़ी अच्छा लगा, बट इसका जो शेड है वो आपको अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वार्मर टोन्स में है इसके शेड रेंज, तो अगर आप कूल टोन के हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आपके लिए शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड है कि इसका जो हाइलाइटर है वो क्रीम है। मैं जनरली क्रीम हाइलाइटर्स का उतना फ़ैन नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वो ओके सा लगा। अगर आपको क्रीम हाइलाइटर्स पसंद होते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। मुझे पाउडर हाइलाइटर्स पसंद है जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स में मुझे नहीं मिला, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला क्रीम वाला ट्राई किया। मस्कारा में मैंने ऑलरेडी उसका जो मस्कारा है उसे परचेस नहीं किया है, मैंने मार्स का मस्कारा ट्राई किया जो कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी आप ट्राई कर सकते हैं, दैट्स एन अमेजिंग कंसीलर, बहुत अच्छा कवरेज है उसका। अब लास्ट आते हैं इसके लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक्स आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक का जो रेंज है इसमें कोई भी शेड आप ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा लिप्स को ड्राई बना देता है, सो इसे अप्लाई करने से पहले आपको लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आप इसे अप्लाई करें। सो या गाइस दैट्स कंप्लीट्स माय हॉल। आई होप ये वाला हॉल प्लस रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा। प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, अमेज़न पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी, सो डेफिनेटली अमेज़न से इन्हें परचेज करें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।